हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अनाया हिंदी व्याकरण का चैप्टर करते हैं जो हमने लास्ट टाइम किया था, वर्ण और वर्णमाला। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हमने करवा दिए थे और आज हम कुछ करवाते हैं। जैसे वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड न हो सके वर्ण कहलाते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन में अंतर बताइए। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 37 होते हैं। मात्रा किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। वर्णों के चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं, जैसे आ, ई, बड़ी ई आदि। तो ये आपको करना है। नेक्स्ट है शब्द विचार हमारा चैप्टर। वर्णों का ऐसा मेल जिससे कोई अर्थ निकले उसे शब्द कहते हैं। शब्दों के अर्थों से ही भाषा को बल मिलता है, जैसे न ले नल, बैसे बस, रबड़ रबड़, ए दे रे के अदरक। अतः एक से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। स्वर और व्यंजन मिलकर शब्द बनते हैं। व्यंजन से स्वर मात्रा के रूप में जुड़ते हैं। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं होता उसे शब्द नहीं कहते। अब आप अभ्यास प्रश्न, आपको ये मैंने पहले भी करवाए हुए हैं। 2, 3 और 4 वर्णों से बनने वाले 6-6 शब्द आपको इसमें फिल करने हैं। विद एग्जांपल के बेस पे मैंने आपको 2-2 इसमें करके दिखा दिए, बाकी आपको करने हैं। ओके।